अच्छा आप देखें अच्छा 8 ठीक है 6 3 नहीं खत्म नहीं हो सकता नहीं नहीं खत्म नहीं है 7 6 आप लोग जाओ रूम में मैडम भी आ रही हो फ्लेक्स लेके आओ थोड़ा गैप दें ड्रॉ करें 8 आपको नजर आ रहे हो तो इन करें आप स्पोर्ट्स इवेंट का मकसद ये होता है कि हमारी जो सर्दियों की छुट्टियाँ होती हैं उसमें थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट हो तो उसको यूटिलाइज करने के लिए हम ये मनाकत करते हैं और हर कैबिनेट जो होती है अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो मनाकत करती है। इस दफ़ा हमारी स्पोर्ट्स इवेंट जो हमने अरेंज की पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने उसको हमने स्पेशली वकार अहमद सेठ मरहूम के नाम से शुरू किया है। ये एक्टिविटी जो है फीमेल लॉयर्स के लिए जो रखी गई है ये बहुत ज़्यादा हमें तो बहुत ज़्यादा इन्जॉय हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे इतना स्ट्रेसफुल रूटीन होती है स्ट्रेसफुल काम होते हैं तो उस रूटीन से निकल के स्पोर्ट्स की तरफ आना ये हम अपने पेशावर हाई कोर्ट के बहुत ज़्यादा थैंकफुल है कि उन्होंने हमारे लिए एक्टिविटी रखी जी। स्पोर्ट्स गला इवेंट जो स्टार्ट हो गया दिसंबर में ये पिछले साल भी हुआ था और ये जस्टिस वकार अहमद सेठ लेट के नाम से मंसूब है और इस बार लेडीज़ ने बहुत ज़्यादा फीमेल वकला ने पार्टिसिपेट किया है और यहाँ देख के उनके गेम्स को उनके खेल को देख के लग रहा है कि वो अच्छे वकील के साथ साथ अच्छे स्पोर्ट्स भी हैं। मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ पेशावर हाई कोर्ट की और जो हमारे इवेंट्स स्पोर्ट्स के 28 को इनॉग्रेट हुआ है जो सेशन तो ये इससे पहले भी जो है हमारे स्पोर्ट्स इवेंट काफ़ी होते रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ से अरेंज हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की तरफ से अरेंज हुए हैं। इस साल इस इवेंट का नाम जो है वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो कि वफात पा चुके हैं कोरोना के बाइस उनके नाम पे इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है उनको खिराज तहसीन पेश करने के लिए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आई एम थैंकफुल आई एम ओब्लाइज टू द कैबिनेट ऑफ पेशावर हाई कोर्ट एंड ऑल्सो टू द डीजी स्पोर्ट्स जिन्होंने ये इतना अच्छा और इतनी हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है वो हमारे लिए अरेंज करवाई हैं। जी बिल्कुल मुतमिन हैं क्योंकि इस दफ़ा बहुत अच्छे तरीके से ये खेल जो है हम खेले जा रहे हैं और फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब फीमेल्स जो हैं वो बड़ी तादाद में इस दफ़ा आई हुई हैं। इतना नहीं होता हम खेलते हैं बट इतने तादाद में नहीं होते हम बिल्कुल लिमिटेड होते हैं बट इस टाइम जो है बहुत ही मतलब फीमेल्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है और इसके साथ साथ मैं जो है स्पेशल थैंक्स जो है वो डीजी साहब को भी करना चाहूँगी कि उनकी वजह से भी हम लोग जो हैं आज यहाँ पर आए हुए हैं एंड थैंक्स टू अवर कैबिनेट मेम्बर्स के तकरीबन 15 साल बाद जो है हमें ये मौका मिला है। हम बहुत खुश हैं कि मतलब अपने फील से हट के इतने टफ रूटीन से हट के जो है हमें हमारे कैबिनेट ने ये एक हमें मौका दिया है कि हम इंजॉय भी करें और वो काम तो कर रही है सब को भी और कोई खत्म नहीं होगा।
ले ली। Hey!